राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सदन में जो कहा है वह हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। वहीं बता दें कि स्वाति मालीवाल द्वारा सीएम केजरीवाल को पत्र लिखने के मामले में उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को दिल्ली महिला आयोग में महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को दिखाया है। वहीं बता दें कि किस तरह दिल्ली सरकार महिला आयोग का बजट रोककर उनको सैलरी नहीं दे रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए केजरीवाल सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। बीजेपी से सांसद कमलजीत सरावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि हिंदू जो है नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगी? कल पार्लियामेंट में उनका पहला भाषण लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता के रूप में हुआ। उनकी सारी स्टेटमेंट अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। अग्निवीर को कंपनसेशन नहीं मिलता, ये उन्होंने झूठ कहा। किसानों को MSP के ऊपर उन्होंने झूठ कहा और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कमेंट किया, ये किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। और भारत तो एक धर्म को सहिष्णुता वाला देश है, सब धर्मों के आदर करने वाला है। वहाँ के जो मुख्य धर्म के लोग हैं उनको इस तरह से कहना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तीन कानून को लेकर जो विपक्ष प्रदर्शन कर रही थी, इसको आप क्या कहेंगे? जब तीनों कानून बने हैं तो उनके ऊपर गहन चर्चा की गई है। जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, जो भी कमेटी से वेट कराया जाता है, उनको कराया गया है और बदलते हुए समय के हिसाब से कानून को बदलना जरूरी था। ब्रिटिश कानून को अभी भी ढोया नहीं जा सकता, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ठीक किया है और बहुत अच्छा है कि वो कानून बदले जा रहे हैं। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैम, स्वाति मालीवाल ने अरुण केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है जिसमें तमाम मुद्दों पर वो बात करेंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? स्वाति मालीवाल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इतनी बड़ी संस्था जो दिल्ली की महिलाओं की मदद के लिए होनी चाहिए मजबूत, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक कोई चेयरमैन नहीं है, दो मेंबर जिसमें से एक दलित का होना आवश्यक है वो नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, कॉन्टैक्ट के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, हेल्पलाइन और जो मोबाइल फैसिलिटी थी, जो एडवोकेट की फैसिलिटी थी, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा सर बात करने के लिए हमारे साथ बात करेंगे बीजेपी से सांसद कमलजीत सरावत, जिनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है, जो फैसले को ख़त्म किया जा रहा है, उनको लेके बात करने के लिए MK News के लिए दिल्ली से सुप्रसेठ।